एनर्जीज पजेस बाय वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। ठीक है, एकदम सिंपल डेफिनेशन, ये एमसीक्यू में आपको पूछते हैं तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल। वैलेंसी बैंड मतलब क्या? तो वैलेंसी बैंड में क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी है, हर एक इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अलग अलग रहेगा। तो मैंने क्या किया है, सबको एक साथ कंबाइंड किया है, और एक साथ कंबाइंड करके मैंने क्या कर दिया है, उसका एक बैंड फॉर्म किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड। तो यहां पे अगर डायग्राम के फॉर्म में मैं दिखाऊं, तो ये आपका ये बैंड एनर्जी है, तो यहां पे आपका क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, इसको नाम दूंगा मैं वैलेंस बैंड। तो यहां पे क्या रहेगा, सब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जब हम बोलते हैं कि सर्किट में आपको करंट कैसे मिलता है, तो सर्किट में फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर मतलब वायर, इसको मैं अभी वोल्टेज दूंगा, जब मैं इसको वोल्टेज दूंगा तब आपको सर्किट में क्या मिलता है, करंट मिलता है, ये हमने पढ़ा था, बराबर। तो ये सर्किट में करंट मिलता है तो ये किसके वजह से, बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज। तो ये वोल्टेज क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि जब तक इनको अब एनर्जी नहीं मिलेगा ये सर्किट में मूव नहीं करेंगे, बराबर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो यहां पे क्या रहता है, यहां पे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो जब ये यहां से ऊपर जाएंगे तब आपको सर्किट में क्या मिलता है, करंट मिलता है, लेकिन यहां से यहां ऊपर जाने के लिए उनको क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो वो एनर्जी हम कैसे देते हैं, या तो हम इसको वोल्टेज लगाएंगे, या तो हम क्या करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, यहां से ऊपर आएगा, और जब ये यहां से ऊपर आता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये सर्किट में क्या करता है, मूव करता है। तो जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स ये बैंड में आता है तो इसको बोलते हैं हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी होता है, तो वो एनर्जी भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैंने क्या किया है, वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप में डाला है और उसको नाम दिया है मैंने कंडक्शन बैंड, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन क्या होगा, देखो, द रेंज ऑफ एनर्जी पजेस बाय कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में, एकदम सिंपल डेफिनेशन, अगर ये आपको याद है तो ये आपको याद रहेगा ही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, और कंडक्शन बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रहता है। यही एमसीक्यू में आपको पूछते हैं कि वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो वो रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। और डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ एनर्जी इज पजेस बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में, समझा अभी? पहला किसी को डाउट है पूछो, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। समझा है क्या, प्लीज रिप्लाई करते रहो। तो लिखो, चलो डेफिनेशन लिखना, ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन आप लिखो, कंडक्शन बैंड का डेफिनेशन आपने लिखना है, सिर्फ वैलेंस की जगह क्या चेंज होगा ये मैंने आपको बताया।
होने के बाद बोलना क्या लिखा डेफिनेशन, कंडक्शन बैंड का क्या लिखा, कौन बताएगा? हाँ बताओ। ठीक है, इस कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। ओके गुड, लिखा सबने। तो अभी ध्यान देना, देखो एक यही डायग्राम में वापस निकल रहा हूं अभी यहाँ पे। दिस इज योर बैंड एनर्जी, इसको नाम दिया मैंने बैंड एनर्जी। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने दिस इज कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, इधर है आपका कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, इधर है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं यहां पे कुछ टेम्परेचर दूंगा या यहां पे मैं कुछ वोल्टेज लगाऊंगा, तब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इधर मूव होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फिर सर्किट में आपको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये कुछ गैप रखा है, तो ये गैप को कुछ तो नाम दिया है। तो दिस गैप इज कॉल्ड एज ईजी, या इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ईजी का फुल फॉर्म है एनर्जी गैप, तो दिस इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब क्या, कोई बोल सकता है व्हाट इज मीन बाय फॉरबिडन? हाँ, और दूसरा सिंपल वे में, और हाँ रिस्ट्रिक्टेड, उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड, या उसको बोलते हैं हम स्टॉप। बराबर, तो यहाँ पे इसको फॉरबिडन नाम क्यों दिया है, तो देखो ये गैप अगर ज्यादा है, तो अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस है यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये गैप ज्यादा है। ये गैप जितना कम रहेगा उतना क्या रहेगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या रहेगा, उतना इजी रहेगा। बराबर ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है और इधर थर्ड फ्लोर है तो यहां से आप जल्दी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर फिफ्थ फ्लोर है, मतलब लिफ्ट लिफ्ट नहीं है, तो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आप इजीली जाओगे, लेकिन फिफ्थ फ्लोर है, 10th फ्लोर है, तो ऑब्वियस है टाइम आपको ज्यादा लगेगा, या आप जाओगे नहीं, 10th फ्लोर के इतना ऊपर कौन जाएगा? बराबर ना, क्यों हुआ कि पहली पायरी है कि तीसरी पायरी है, तो क्यों हुआ तीसरी पायरी वरुण पहला पायरी वरुण में उड़ी मारे दो, ये मैं मार सकता हूं, यहां से मैं नीचे आ सकता हूं, लेकिन ये 10th है और यहाँ पे आपका फर्स्ट है, तो यहां से नीचे इम्पॉसिबल है। बराबर ना, इतना आप कहां से जंप करोगे, तो ये जंप करना इम्पॉसिबल है। तो ये जितना गैप ज्यादा है उतना इम्पॉसिबल है, जितना गैप आपका कम होगा उतना क्या होगा, अच्छा रहेगा, आप उसको इजिली पास कर पाओगे। तो वैसा ही ये जो गैप है, तो इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन क्यों बोला है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां आने से स्टॉप करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये गैप जितना कम रहेगा उतना क्या रहता है, सॉलिड के लिए उतना इजी रहता है इलेक्ट्रॉन्स को पास करना। ये जितना बढ़ेगा उतना क्या रहेगा, यहां का इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जा नहीं पाएगा। तो ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर एक्सक्यूज मी, इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप।
तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ईजी। ई का मतलब एनर्जी, जी का मतलब गैप। तो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। और ये एनर्जी गैप का कुछ वैल्यू रहता है, वो हम अभी नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं। तो उसका वैल्यू क्या रहता है, तो उसका यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना, ये भी पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी गैप, तो वो कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए ये गैप क्या होना चाहिए, मुझे कम होना चाहिए। जितना ये गैप कम होगा उतना ये जल्दी यहां से पास होगा, ठीक है, समझा क्या। और ये कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना एनर्जी रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसके पास रहता है। अगर उससे ज्यादा ये गैप हो गया तो उसको क्या कर देगा, वो खुद ब खुद यहां पे जा नहीं पाएगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, किसी का मदद लेना पड़ेगा। किसी का मदद मतलब क्या, या तो मैं यहाँ पे वोल्टेज लगाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। तो उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और फिर वो यहां से इधर जाते हैं। आ रहे बात समझ में। तो इन केस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी क्या, उसका यूनिट क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, पता है किसको, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल रहता है, एनी आइडिया? नहीं, तो देखो ये भी लिख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। मतलब इतना एनर्जी जब इसके पास रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहां से इजीली पास होता है। अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा हो गया तो ये नहीं कर पाएगा, यहां से ये नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। समझा रहेगा यार, व्हाट इज मीन बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप और उसका वैल्यू कितना रहता है, ठीक है। तो लिख लो, ये डायग्राम भी निकाल लो। ये है आपका वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, उसमें का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसका यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। मतलब इतना एनर्जी लगेगा उसके पास तब तो वो यहां से